छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में एक दिवसीय दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जहां जाते हैं वहां बंटाधार कर देते हैं। वहीं नवरात्र के अवसर पर आए डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ वासियों और राजनांदगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा ऐसा स्टेट है जो सेना ने में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग हर चौथे घर से एक व्यक्ति सेना में जाते हैं, जागरूक लोग हैं, वहां पर खेती और किसानों के महत्व समझते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों को, राजनांदगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे और छत्तीसगढ़ खुशहाली और शांति के विकास की दिशा में आगे बढ़े, यही माता से कामना है। और आज क्योंकि राजनांदगांव में बहुत ही परंपरा के अनुसार, वो चाहे गुजराती समाज हो या अन्य समाज, या लायंस क्लब हो या अन्य दूसरे संगठन, बहुत ही बेहतर तरीके से गरबा का आयोजन करते हैं। माता की उपासना बहुत ही धर्म से और बहुत ही एक परंपरा और एक अनुशासन से करते हैं। तो मैं अभी जाऊंगा, अलग अलग स्थानों में गरबा का आयोजन किया गया है और उसमें उपस्थिति दूंगा और माता से आशीर्वाद लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी किसानों के लिए सबसे आवश्यक रहा है, जो हमारे घोषणा पत्र में है, किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था, 21 क्विंटल धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल दे खरीदने की पूरी तैयारी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है और एक प्रकार से खुशहाली का वातावरण